नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपके टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जो शुक्र का चेंज हो रहा है उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। कल हमने बनाई थी पार्ट वन, आज हम बना रहे हैं पार्ट टू। तो इसके लिए मैं अपने स्टूडियो में बुलाना चाहूंगी रेनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो एस्ट्रो पॉइंट में स्वागत। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित चढ़ी, आपका एक्सोलॉजर पश्चिम बिहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज है 2 अक्टूबर, वेडनेसडे, और ये वीडियो ठीक 6 दिन बाद अपलोड होगी, 8 अक्टूबर 2024 ट्यूजडे को। 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक 25 दिन का ये चेंज है। ये इंडिया की कुंडली, आज तक के प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस, और हमारी जो प्रिडिक्शन होती है लगन से होती है। लगन मीन्स फर्स्ट हाउस। देखिए आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उसी से हमारी प्रिडिक्शन होती है। 6 नंबर वर्गो कन्या, अगर यहाँ 6 लिखा है तो आप वर्गो कन्या है, 7 लिखा है तो आप लिब्रा तुला है, 8 लिखा है तो स्कॉर्पियो वृश्चिक है, उसी से हमारी प्रिडिक्शन मैच कीजिए। हमारी प्रिडिक्शन मून साइन चंद्र राशि से नहीं होती। ये हमने कल सब पॉइंट्स पढ़ दिए थे, तो हम सीधा लिब्रा पे आते हैं। 7 नंबर लिब्रा तुला, शुक्र की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों शुक्र के मूवमेंट, शुक्र दोस्तों आपके वैभव को डिनोट करता है दोस्तों, लक्ष्मी जी को डिनोट करता है, आपके घर के धन को डिनोट करेगा दोस्तों, आपके ऐश्वर्या को डिनोट करता है दोस्तों। जब जब शुक्र मूव करेगा, किसी भी राशि में मूव करेगा दोस्तों, उसका इम्पैक्ट दोस्तों आपकी लग्जरी पे पड़ेगा, आपके धन दौलत पे पड़ेगा दोस्तों। तो अपनी कुंडली में से कोई भी ग्रह जब मूव करे, खासकर शुक्र जैसा ग्रह दोस्तों, जो पॉजिटिव ग्रह होता है, तो देखिए आपकी कुंडली में कहाँ पे इसके लैंडिंग होने वाली है, गोचर के टाइम पे इस पे किस किस का एस्पेक्ट पड़ेगा, क्या डिग्री रहेगी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो उसको आपको अपनी कुंडली से, हमारी जो दोस्तों वीडियोज होते हैं उनको समझने में आपको आसानी हो जाएगी, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों। दोस्तों लिब्रा यानी कि तुला, दोस्तों लिब्रा है शुक्र की ही राशि, शुक्र की दोस्तों मूल त्रिकोण राशि यानी कि स्ट्रॉन्ग वाला साइन। दोस्तों शुक्र की मूवमेंट होगी तो इसका इम्पैक्ट दोस्तों इस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, टॉरस पे दोस्तों, लिब्रा पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों लिब्रा की जो मूल त्रिकोण साइन है दोस्तों, वो शुक्र का जो मूल त्रिकोण साइन है वो दोस्तों लिब्रा है, उसको ज्यादा पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट पड़ती है दोस्तों। अब दोस्तों कल हमने एक बात की थी कि शुक्र की जो मूवमेंट होगी दोस्तों, शुक्र अपने एक साइन से, वीनस अपने एक साइन से दोस्तों, लिब्रा से सेकंड हाउस में होगा और दोस्तों टॉरस से सेवंथ हाउस में होगा। देखिए सेकंड और सेवन यानी कि दोस्तों लिब्रा से सेकंड हाउस मतलब कि लिब्रा सेंडेंट यानी कि तुला लग्न से दोस्तों शुक्र जो मूव करेगा अपने सेकंड हाउस में मूव करेगा, यानी कि सेल्फ का लॉर्ड वेल्थ हाउस के अंदर, सेल्फ का लॉर्ड प्रोफेशनल लक हाउस के अंदर, यानी कि आपके अपने सेल्फ के एफर्ट से, आपके अपने फिजिकल बॉडी मेंटल से, आपके मेंटल के एफर्ट से आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जो लॉकर है, आपका जो लॉकर और आपकी जो जेब है दोस्तों, वो दोस्तों मोटी होगी। और दोस्तों इस पर शनि का इम्पैक्ट आने से, शनि दोस्तों क्योंकि आपके कुंडली के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे, इस पर शनि का जो इम्पैक्ट पड़ेगा 8 नंबर पे, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों, उस पॉजिटिविटी की वजह से। फिफ्थ हाउस का इम्पैक्ट शनि का जाएगा सेकंड हाउस शुक्र पे, तो त्रिकोण और केंद्र की भी दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं एक युति बन जाएगी एस्पेक्ट के थ्रू। तो और शनि यहाँ पे आपकी कुंडली में फोर्थ प्रॉपर्टी का, फिफ्थ आपके लक का लॉर्ड है, तो लक की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, गाड़ी की प्राप्ति होगी और सोसाइटी में आपके मान मर्यादा की एक इज्जत बढ़ेगी दोस्तों। तो ऑल इन ऑल दोस्तों ये वाला पर्टिकुलर चेंज तुला लग्न के लिए काम को लेके, भाग्य को लेके, सेल्फ को लेके, सेविंग्स को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके पॉजिटिविटी वाला ही दोस्तों चेंज नजर आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, यहाँ पर जब शुक्र की प्लेसमेंट होगी, इसका इम्पैक्ट अपने वृषभ राशि में जाएगा दोस्तों, 8th हाउस के ऊपर, यहाँ पे ऑलरेडी गुरु प्लेस है, तो लाइफ के एनहेंसमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ के एनहेंसमेंट, वो सभी लोग दोस्तों रिसर्च के फील्ड के अंदर है, वो सभी लोग दोस्तों जो कहीं ना कहीं धर्म के फील्ड के अंदर है, तो वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं दोस्तों मान लीजिए कि डॉक्टर हैं या दोस्तों किसी ना किसी चीज पर साइंटिस्ट हैं, जो जो डीप स्टडी करते हैं दोस्तों किसी भी चीज की, तो यहाँ पे पढ़ाई कभी खत्म होती ही नहीं है, तो उन सब के लिए दोस्तों बहुत बड़ा टाइम, अकल्ट की दोस्तों जो फील्ड के अंदर है उनके लिए दोस्तों बहुत अच्छा टाइम। यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनका सब काम जो है या जिनका दोस्तों जो अर्निंग है, ब्रेड 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 अर्नर दोस्तों जो जो लोग हैं, उनका जमीन के नीचे से जो आइटम निकलती है उसके थ्रू दोस्तों काम, इनको ऑयल, नेचुरल गैस, केमिकल, तेजाब, कोल, माइनिंग, उन सबका भी दोस्तों यहाँ पे काम बढ़ने वाले हैं। उसका दोस्तों उनका काम है जो जेम स्टोन्स का दोस्तों, जो राशि का नग होते हैं दोस्तों, ज्वेलरी का जिनका काम है उनको भी यहाँ पे, और जिनका चांदी का काम है, चांदी का काम यहाँ पे दोस्तों बढ़ने वाला है, जिनका दोस्तों मोती का काम है, मोती के थ्रू जो दोस्तों ज्वेलरी बनाते हैं उनका भी यहाँ पे काम बढ़ेगा। तो ऑल इन ऑल दोस्तों अच्छा वाला फेज। हाँ दोस्तों डेंटिस्ट, जितने भी डेंटिस्ट है दोस्तों उनको यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, तो उनका काम भी हम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब लिब्रा वालों के लिए तो हर तरफ से डबल थम्स अप बनने वाले होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है।
आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए कि आपका आने वाला टाइम कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक, मंगल की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों इनके तो अपनी ही राशि में दोस्तों शुक्र लैंड करेगा, दोस्तों वीनस इन स्कॉर्पियो। दोस्तों अब यहाँ पे फिलहाल दोस्तों शुक्र का यहाँ पे आना कोई खराब खबर लेकर नहीं आता, बिकॉज शुक्र जहाँ पे आएगा दोस्तों अपने ही सेवेंथ हाउस, मैरिज हाउस को देख के, पार्टनरशिप हाउस को देख के, ये जो कर ठंडा करेगा, शांत करेगा, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर दोस्तों वे में काम को करवाएगा, चाहे वो बिजनेस की बात करें, शादी की बात करें। लेकिन दोस्तों मैंने बताया कि आपको कल बताया था कि आज है मतलब 13 तारीख को दोस्तों चेंज होगा, एक्जैक्टली एक हफ्ते बाद यानी कि 20 तारीख को आपका जो अपना जो लॉर्ड है मंगल मतलब वो नीच का हो जाएगा। उससे 3 दिन पहले 17th को दोस्तों सूर्य जो कि आपके चार्ट में आपकी इज्जत मान मर्यादा लीगल का लॉर्ड है दोस्तों वो भी नीच का हो जाएगा। और दोस्तों आपके आपका जो मंगल जब नीच का होगा दोस्तों इस पर राहु का भी इम्पैक्ट होगा। ट्रबल टाइम कह लिए दोस्तों, कन्फ्यूजन वाला टाइम कह सकते हैं उसको। लेकिन ये दोस्तों जो चेंज होगा ये थोड़ा सा बेटर चेंज है, बिकॉज आपके सेल्फ हाउस में दोस्तों शुक्र का आना और दोस्तों सामने से गुरु का इस पर नजर मानना इस चीजों को कंट्रोल करेगा, मन में दोस्तों शांति जगह एंग्जाइटी दूर करके चलेगा। यानी कि अगर ये वाला चेंज नहीं होता और दोस्तों गुरु का रेट्रोग्रेड नहीं होता जो हमने दोस्तों वीडियो बनाई थी, तो आपके लिए एंग्जाइटी की बात करें बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आती। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से शुक्र आपके मेंटल वाले हाउस में है दोस्तों, गुरु का उस पर इम्पैक्ट है, रेट्रोग्रेड गुरु का इम्पैक्ट है दोस्तों, तो जो नेगेटिविटी दोस्तों आने वाली है आपके ऊपर उसको 50% 60% कट डाउन कर देगा और आपको दोस्तों कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। और अगर कुंडली में भी शुक्र आपका स्ट्रांग है, मंगल स्ट्रांग है, सूर्य स्ट्रांग है, तो जो एनुअली विंडो है दोस्तों वो आराम से आप लोग पार कर लेंगे। डेंट पड़ेगा लेकिन मामूली सा डेंट पड़ेगा। लेकिन अगर कुंडली में भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, दशा भी नेगेटिव चल रही है, तो विंडो परेशान करेगी। बट ये पर्टिकुलर चेंज गुरु शुक्र का आमने सामने होना, शुक्र का आपके सेल्फ हाउस में आना, कहीं ना कहीं आपके जो खर्चों को कंट्रोल करके चलेगा और जो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है उसको कंट्रोल करेगा। तो कहीं ना कहीं बेटरमेंट है ये वाला चेंज, अच्छा ही करेगा आपके। चलिए फ्रेंड्स, मतलब स्कॉर्पियो वालों के लिए नेगेटिविटी होते हुए भी इतनी ज्यादा नहीं है, एक छतरी के तौर पे काम करेगा बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है और हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 9 नंबर सजिटेरियस धनु, गुरु की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों देखिए धनु राशि होती है गुरु की, तो गुरु और शुक्र आमने सामने होने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए गुरु शुक्र आमने सामने होंगे और दोस्तों दूसरी बात क्या, धनु राशि धनु लगन के अंदर इनफैक्ट दोस्तों जो शुक्र की जो प्लेसमेंट है, शुक्र की जो लॉर्डशिप है इनफैक्ट दोस्तों वो बहुत नेगेटिव होती है। 6th हाउस दोस्तों हो गया आपके बीमारी का और 11th हाउस बीमारी को ही डिनोट करता है। यानी कि दोस्तों शुक्र अपने अंदर बीमारियां लेके चलते हैं, शुक्र अपने अंदर कर्जे लेके चलते हैं यहाँ पे दोस्तों धनु लगन वालों के लिए। तो जितना दोस्तों ये मान लीजिए इतना नेगेटिव प्लैनेट अगर आपके सेल्फ हाउस में प्रेस हो जाएगा दोस्तों तो बीमारियां देगा, यूरिन से रिलेटेड आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज दे देगा, या दोस्तों गर्ल्स की बात करें ओवरीज की दिक्कत दे देगा, और दोस्तों अगर बात करें यूट्रस रिमूवल की बातें आती है, फाइबर आ जाए तो मतलब इस तरह की लाइनिंग आ जाए तो यूट्रस के ऊपर तो प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट करके चलता है। बट दोस्तों अब जो शुक्र की जो प्लेसमेंट होगी दोस्तों वो अगर आप नोटिस होगी आपके वृश्चिक राशि के अंदर, तो वृश्चिक राशि पड़ती है आपके 12th हाउस के अंदर। अब दोस्तों लॉजिकली 12th हाउस में कोई ग्रह दोस्तों वीक हो जाता है, लेकिन दोस्तों अच्छी बात का यहाँ पे शुक्र आपके चार्ट में ऑलरेडी नेगेटिव है, 6th का लॉर्ड है या 11th का लॉर्ड है, नेगेटिव का लॉर्ड इन नेगेटिव हाउस दोस्तों बिकम्स पॉजिटिव, विपरीत राजयोग यानी कि 6th हाउस की जो इसकी लॉर्डशिप है बीमारी की लॉर्डशिप दोस्तों वो नीचे आती है यानी कि बीमारी को कम करते हैं। दूसरी बात तो यहाँ पे जब शुक्र होगा तो अपने ही बीमारी वाले घर को देखे बीमारी को कंट्रोल करेगा दोस्तों, यानी कि जिनको दोस्तों किडनी की दिक्कत है, यूरिन की दिक्कत है, जिनको दोस्तों बार बार यूरिन जाना पड़ता है, या दोस्तों जिनको टाइप 1 या टाइप 2 का शुगर है, डायबिटिक है जो लोग, ओवरीज की दिक्कत है दोस्तों, जिनको पीरियड्स के बहुत इश्यूज रहते हैं, यूरिन के बहुत इश्यूज रहते हैं, यूरिन ट्रैक में दिक्कत है, उन लेडीज के दोस्तों अच्छी खबर लेकर आएगा, गॉल ब्लैडर की दिक्कत है उनके लिए अच्छी खबर लेकर आएगा, बिकॉज शुक्र यहाँ पे अपने साइन को देख के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जिनको डायबिटीज के इश्यूज है उनके भी दोस्तों डायबिटीज बहुत फ्लक्चुएट हो रही थी, होती रहती है, इम्पैक्ट उन पर थोड़ा कंट्रोल लग जाएगा। हालांकि यहाँ पे दोस्तों राहु का इम्पैक्ट होगा, फ्लक्चुएशन अभी भी रहेगी बट उसमें थोड़ा सा कंट्रोल होगा, बिकॉज यहाँ पे गुरु का इम्पैक्ट आने वाला है, गुरु अपने ही साइन पे देख, गुरु जो है दोस्तों आपके क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे 6th हाउस में होके और इस पे इम्पैक्ट डाल के तो शुक्र की जो नेगेटिविटी को और ज्यादा कंट्रोल करे, तो बीमारी कम करने वाला टाइम है दोस्तों। पॉजिटिव चेंज तो नहीं कहूंगा इसको इन टर्म्स ऑफ मनी, बट हाँ थोड़ा कर्जों पे कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो थोड़ी सी तो पॉजिटिविटी दोस्तों लेकर आएगा ही आएगा। चलिए 9 नंबर सजिटेरियस धनु के लिए आपने बता दिया कि इनके लिए टाइम बेटर है, जो भी कोई प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं बढ़ेगी नहीं, कंट्रोल में बिल्कुल।
चलिए अब हम आते हैं 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर, शनि की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों देखिए, कैप्रिकॉन की बात करें या कुंभ की बात करें, दोस्तों शुक्र अगर सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है दोस्तों कैप्रिकॉन में होता है, कुंभ ग्रह में होता है। रीजन बिंग की दोस्तों यहाँ पे शुक्र जो बनता है, वीनस जो बनते हैं, केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड बन जाते हैं। तो कैप्रिकॉन की बात करें, मकर की बात करें, तो शुक्र बनता है फिफ्थ त्रिकोण और टेंथ केंद्र। दोस्तों इतना सुंदर प्लैनेट, दोस्तों इतना पॉजिटिव प्लैनेट अब आपके 11th हाउस में दोस्तों लैंड करेगा, 10th हाउस के अंदर लैंड करेगा। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ हो सकता है। दोस्तों हमने 6 लगन कल बात की थी और दोस्तों आज का हम चौथा लगन कर रहे हैं, यानी कि 10 लगन होगा टोटल हमारे। इन 10 राशियों में से, इन 10 लग्नों में से दोस्तों सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी अगर लोग देखें दोस्तों शुक्र की, दोस्तों मुझे लगता है अब तक इसमें कैप्रिकॉन को मिलने वाली है। बिकॉज कैप्रिकॉन में शुक्र 11th हाउस में लैंड करेगा आफ्टर बीइंग द लॉर्ड ऑफ दोस्तों फिफ्थ क्या बोलते हैं फिफ्थ हाउस और 10th हाउस। भाग्य का लॉर्ड दोस्तों भाग्य स्थान पर देखकर शेयर मार्केट से भाग्य बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड से, लव लाइफ की बात करें, लिव इन की बात करें दोस्तों, मेटरनल प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों, पिता के भाग्य की बात करें, आपके दादाजी की बात करें, दादाजी की प्रॉपर्टी, दादाजी का सुख, तो ये सब चीजें दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। 11th हाउस होगा आपका बड़े भाई बहनों का, तो बड़े भाई बहनों के सपोर्ट से आपको काफी यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों 10th प्रोफेशन, 11th प्रोफेशनल वेल्थ, दोस्तों यहाँ पे प्रोफेशनल वेल्थ बढ़ती है। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है आपके, तो कंपनी के शेयर दोस्तों बढ़ जाते हैं, यानी कि प्रोफेशनल वेल्थ। कंपनी की दोस्तों वेल्थ क्या होती है, उसके शेयर में बढ़ना। दोस्तों कंपनी की वेल्थ क्या होती है, उसका जितना कैपिटल है, कैपिटल की ग्रोथ होना, तो दोस्तों कंपनी की कैपिटल ग्रोथ यहाँ बढ़ जाती है। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग वाले, इवेंट्स वाले, फैशन वाले दोस्तों उनके लिए बहुत सुंदर टाइम। स्टॉक मार्केट वाले, म्यूचुअल फंड वाले, फाइनेंशियल सेक्टर वाले दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ा टाइम। बॉलीवुड के अंदर जो लोग हैं, OTT के अंदर जो लोग हैं दोस्तों, थिएटर्स के अंदर जो लोग हैं, लिरिसिस्ट हैं, ऑथर हैं दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ा टाइम, नॉवलिस्ट हैं, पोइट्स हैं उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ा टाइम। कुल मिलाकर दोस्तों मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। जो सामने से गुरु का भी इम्पैक्ट आ गया तो दोस्तों कहना ही क्या, एंड टू टॉप इट ऑल आपका शनि जो कि आपका लॉर्ड बनता है कैप्रिकॉन का, उसका भी शुक्र पे इम्पैक्ट जाना चीजों को और ज्यादा पॉजिटिव करता है। ऑल इन ऑल नो नेगेटिविटी। हाँ, कुंडली में बहुत नेगेटिविटी है दोस्तों, वो एक अलग बात हो जाएगी। दशा नेगेटिव है आपकी, D9 चार्ट आपका नेगेटिव है दोस्तों, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर कुंडली भी पॉजिटिव है और इसको भी हम लोग फैक्टर करके देखें दोस्तों, कुछ तो कहना है कि आप उसको डबल थम्स अप है दोस्तों आपके लिए। दिवाली सच में आज बार आपकी शानदार जाने वाली। चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर का भी हो गया। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, और हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का 2 लग्नों का जानने के लिए, शुक्र का चेंज आपके लिए कैसा रहेगा और जल्दी हम रेमिडीज भी शेयर करेंगे। चलिए 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ, इनके लिए कैसा रहेगा शनि की दूसरी राशि? एक और ऐसा लग्न जहाँ पे दोस्तों शुक्र बनता है केंद्र त्रिकोण का, दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी मदर, 9 दोस्तों लग पापा फादर, इतना सुंदर दोस्तों। फोर्थ हो गया आपकी जनता, दोस्तों फिफ्थ हो गया आपका बॉलीवुड या हॉलीवुड, यानी कि आपके फैन फॉलोइंग को दोस्तों डिनोट करते हैं दोस्तों। जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उनको दोस्तों कुंभ लग्न में बड़ा पॉजिटिविटी आती है। अब दोस्तों इतना सुंदर प्लैनेट जो 4th और 9th को डिनोट करता है दोस्तों, वो 8 नंबर यानी कि 10th हाउस में आ गया, 9th इन 10th दोस्तों। ये अगर हम लोग बात करें अपनी कुंडली के अंदर, सबसे बड़ा जो राजयोग होता है, सबसे बड़ा जो धनयोग होता है दोस्तों, होता है 9th और 10th का आपस में खड़े थे। उससे आपने 9th 10th हाउस में जा रहे हैं दोस्तों, और आपका जो अपना सेल्फ का जो लॉर्ड है दोस्तों वो उस पर देखेगा, और सबसे बड़ी बात गुरु जो इनकम और वेल्थ को डिनोट करते हैं यहाँ पर दोस्तों, उसका भी शुक्र पे इम्पैक्ट होगा, यानी कि उसको करियर में बहुत प्रॉस्पेरिटी, पैसा 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 और सिर्फ पैसा ही यहाँ पे आने वाला है, नाम शौहरत पैसा तो सब कुछ बेइंतहा यहाँ पे मिलने वाला है। और सबसे बड़ा दोस्तों यही सेम शुक्र जो कि आपके चार्ट में 10th में होगा, करियर को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा दोस्तों। 4th हाउस आपके मदर के लिए बेहद ही ज्यादा शानदार, आपके फादर के लिए दोस्तों बेहद ही ज्यादा शानदार दोस्तों, घर में आपकी खुद की आपकी इज्जत, आपके फैमिली आपकी वजह से आपकी फैमिली की इज्जत दोस्तों यहाँ पे बढ़ती है। कुछ लेना चाहते हैं दोस्तों, जिसे दे टाइम आपने ना कोई दोस्तों ज्वेलरी परचेज करे, तो मोबाइल परचेज करना, लैपटॉप लेना था आपने, आईफोन आईपैड इस तरह के दोस्तों महंगे गैजेट आपने लेने थे, ये राइट टाइम में नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं, दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाले हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि कैप्रिकॉन से ज्यादा बेटर दोस्तों यहाँ पे कुंभ लग्न के लिए होगा, बिकॉज शुक्र यहाँ पे दोस्तों 9th और 10th को कंबाइन करके चल रहा है दोस्तों, बहुत सुंदर टाइम होने वाला है और सबसे मजबूत केंद्र में प्लेस होगा। शनि का भी इम्पैक्ट होगा, गुरु का भी इम्पैक्ट होगा, और दोस्तों गुरु यहाँ पे 11th और 2nd को डिनोट करके, मतलब सही तरीके से जो पैसा कमाया जाता है दोस्तों उनको, दोस्तों जिनकी शादी ड्यू पड़ी है उनके शादी में तो कोई अड़चन नहीं आने वाली, बेहद ज्यादा शानदार अच्छी शादी होगी आपकी, ऐसी शादी होगी जिसमें लोग हम लोग कहते हैं दोस्तों कि भगवान खुद उतर कर आएंगे, आशीर्वाद देंगे, आपके बड़े बुजुर्ग रहेंगे आपकी शादी में, आपके करियर में, आपके एग्जामिनेशन में,
जो भी आपके लाइफ का मोटो है दोस्तों वो यहाँ से पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, ऑब्वियसली बात है अभी सूर्य मंगल या नीच का होने वो कितना इम्पैक्ट करेगा दोस्तों वो हम लोग तब बात करेंगे, बट अभी ये पर्टिकुलर चेंज दोस्तों खुशियां बढ़ाने वाला चेंज और आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने वाला चेंज। चलिए 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ का भी हो गया, आते हैं आज का लास्ट लगना 12 नंबर पाइसिस मीन गुरु की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों मीन लगन दोस्तों धनु लगन की तरह गुरु का ही लगन है दोस्तों, और यहाँ भी अगर हम लोग नोटिस करके देखेंगे शुक्र दोस्तों जो बनता है वो नेगेटिव लाइन बनता है। देखिए दोस्तों 12-1-2 दोस्तों थर्ड का लॉर्ड बनेगा और 8th का लॉर्ड बनेगा, यानी कि आपकी लाइफ आपकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को डिनोट करता है, आपकी लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ को डिनोट करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिनोट करता है। जब जब ये केंद्र त्रिकोण में दोस्तों प्लेस्ड होगा आपका चाहे नेटल चार्ट में या दोस्तों गोचर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाएगा दोस्तों, लाइफ को बढ़ाता है। अब ये आ गया आपके 9th हाउस के अंदर भाग्य स्थान में, जो शुक्र जैसा प्लेनेट जो कि लक्ष्मी जी को डिनोट करता है उसका दोस्तों 9th हाउस में आके अपने ही 3rd हाउस को देखना, यानी कि भाग्य का सहारा दोस्तों मिलता है, आपके आपके रिश्तेदारी का, आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके नेटवर्किंग के सपोर्ट मिलती है, जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, आपकी किस्मत की बात करें दोस्तों सब कुछ यहाँ पे हमें मिल जाता है दोस्तों। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपके रोटी खाने के पैसे भी नहीं होते, कर्जा सर पे चढ़ा हुआ है, आपको अपना गोल्ड बेचना पड़ गया, घर आपका गिर भी चले गए, इस तरह की चीजें दोस्तों कई बार बहुत ज्यादा बुरा वक्त आता है। लेकिन ऐसे जब दोस्तों चेंजेस आते हैं चाहे दोस्तों 20 दिन के लिए हो 25 दिन के लिए भी अगर ऐसे चेंज हो दोस्तों वो चेंज आपको रास्ता दिखा जाता है आगे, एक लॉटरी आपके लग जाती है, नौकरी आपके लग जाती है, कोई एक इंसान भाग्य के दोस्तों ऐसे ऊपर वाले के आशीर्वाद से वैसे को मिलते हैं, आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे लेकर चले जाते हैं दोस्तों, दिस इज दैट काइंड ऑफ अ टाइम। तो यानी कि 13 अक्टूबर को दोस्तों जो टाइम स्टार्ट होगा ये बेहद ही ज्यादा सुंदर टाइम, जिनकी जॉब में दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, कोई ना कोई दोस्तों उनका मिलेगा इंसान जो उनकी उंगली पकड़ेगा, उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, लीगल इशू चल रहे हैं आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल के आपको आगे लेके जाएगा। एंड टू टॉप इट ऑल आपका जो मेन दोस्तों प्लैनेट है गुरु वो शुक्र को ही देख रहा है आपके 3rd हाउस से, तो कोई भी दोस्तों समस्या होगी उसका निदान दोस्तों पक्का है, कोई समस्या आपकी परमानेंट नहीं है यहाँ पे, हर समस्या आपकी टेम्पररी है, टाइम लाइन है दोस्तों उसके साथ, और मुझे लगता है उस समस्या को खत्म होने का टाइम आ चुका। स्पेशली दोस्तों जब आज होगी 8 तारीख होगी दोस्तों, कल गुरु भी दोस्तों रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो कल से हम लोग मान के चलते हैं कि आपकी समस्या को निदान होने का टाइम आ गया और ये पर्टिकुलर चेंज आपकी समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सूर्य नीच का होने मंगल नीच का होने कितना इम्पैक्ट डालेगा दोस्तों अगली वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, 6 लग्नों की बाकी बातें हो गई कि कैसा रहेगा इनके लिए शुक्र का चयन, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है, तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं रेमेडीज पे। शुक्र की सबसे बड़ी रेमेडी, पहले आप लक्ष्मी चालीसा पढ़िए। हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, ज्वेलरी है, गोल्ड है, कपड़े, परफ्यूम, डियो जो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर इस बीच अगर आप सॉलिटेयर पहन लेते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 3rd फिंगर में आप सॉलिटेयर पहन सकते हैं, अदरवाइज शुक्र के लिए ओपल भी होता है 3rd फिंगर में, आप ये भी पहन सकते हैं सिल्वर में। दोस्तों ओपल नहीं भी कर पाते, ओपल भी नहीं करते फिर जर्कन पहन सकते हैं, बिल्कुल चांदी में जर्कन पहन लो, आपके लिए हाँ बिल्कुल बहुत ही बेनिफिशियल, आपके बजट में आता दोस्तों बिल्कुल, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और कुछ। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, दोस्तों टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद जय भारत।